बाबे नानक दी ओए ओदी उपर वाले दी करमा वाली बेबे। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बेबे राम दुलारी जिस दिन असी लैके आए सी माता जी नूं मुल्लापुर दाखियां तों घर दे विच पए सी, तुरना तां इक पासे टॉयलेट बाथरूम भी नहीं सी जा हुंदा, विच ही हो रहा सी। घर दे विच माता जी दे कोले करीब 35-40 सूट सीगे ते इन्हां दा बेटा सी जिहड़ा वो भी बीमार सी, उहदा भी पट टुट्टिया होया सीगा। वह चक के माता दी सलवार बदल दिंदे सीगे, यानी कि उत्थे सलवारां दे ढेर लगे पए सी, कल्ले कुड़ते पए सी, सलवारां घर च खत्म ही हो गईयां सी, लिबड़ जांदी सड़ दिंदा सीगा, धोण वाला है नहीं सी हालात। तां वाहिगुरू ने मेहर कीती, उत्थों माता जी नूं लैके आए, माता जी दे बेटे नूं भी लैके आए, वह भी चलन फिरन लग गया वीर साडा। तो माता जी भी राम दुलारी जी भी देखो तुहाडे सामने अपने पैरां ते तुर के हॉस्पिटल का रिंप चढ़ रहे हैं, है ना। तो राम दुलारी बेबे फिजियोथरैपी करवाउण जा रहे हैं इस टाइम, हर रोज़ इन्हां दी फिजियोथरैपी हुंदी है, इत्थे एक्सरसाइज हुंदी है। साढ़े सुपनियां दे हस्पताल दे विच वो साढ़े सुपने पूरे हुंदे जिहड़े डॉक्टरां ने मना करता सी भी हो नहीं सकता। माता जी नूं जदों लैके आए सी इन्हां दी हालत इन्नी माड़ी सी, पहलां तां मना करता सी डॉक्टरां ने भी इन्हां दा बचना मुश्किल आ। कई महीने हॉस्पिटल दे विच रहे माता जी, फिर छुट्टी मिली हॉस्पिटल तो, फिर ठीक हो गए, अज होर कल होर। तो अज माता राम दुलारी जी तो उन्हों का बेटा देखो तुसी देख रहे हो, सब्जियां कट्टी जांदा बैठा, फ्रूट कट रहा, साडे नाल सेवा करवाउंदा बाई। तो बेबे राम दुलारी जी हुण अपने पैरां ते चल के अपना जीवन बतीत करदे आ। ये कृपा वा, ये तुहाडियां असीसां, तुहाडियां दुआवां, तुहाडियां अरदासां सदका हुंदा सब कुछ। अगों भी अरदास करदे रहो, साडे परिवार दे सारे मैंबर ठीक हो जाण। बापू वैदवान बैठे ने, बापू गोपाल बैठे ने, अमनदीप भैण बैठी आ, ते साडे परिवार दे मैंबर हॉस्पिटल दे विच हुण जिवें फिजियोथरैपी इधर हो रही आ नहीं, आ जाओ। हुण साडी रेखा मित्तल भैण आ, ये भी नहीं सी चल सकती पहला, 20-22 साल तो घरे मंजे ते पई सी ये भैण, अज ये भी भैण तुरदी फिरदी अपने पैरां ते हो गई आ। इहदी भी फिजियोथरैपी हुंदी आ, इस तरह ही बेबे दी राम दुलारी दी भी फिजियोथरैपी होनी आ। बस सच्चे पातशाह वाहिगुरू सारयां नूं तंदरुस्त रखे। हर एक बंदा अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा, पिछे वर्मा खुद आप मरीज सी किसे टाइम वीर, हुण बापू कंदोलियां वाले बापू तरसेम लाल जी नूं फ्रूट छका रहे, क्योंकि बापू ठीक नहीं हैगे, डिमेंशिया की बीमारी है, बापू नूं कोई सुध बुध नहीं अपनी। इदां ही साडा राम किशोर वीर एक्सीडेंट हो गया सी, ट्रेन दे थल्ले आ के लत्तां वड्डियां गईयां, बांह वड्डी गई, एक चक्के सिविल हस्पताल दाखिल कराता, सिविल वालियां ने 6 दिन ही पाई रख्या। उदू बाद उन्होंने चक्या रजिंद्रा हस्पताल पटियाले भेजता, 5-6 दिन उत्थे पिया रहा बापू। 5-6 दिनों बाद उन्होंने चक्या रात नूं गड्डी च पाया, आटो च पा के पुल थले लाया, कहते उत्थे कुत्ते खाण पै गए बापू नूं, पर जिउंदे रहण उत्थे कुछ वीर जिन्हां ने उपराला कीता, रौला पाया, कुत्ते भी भजाए, बापू नूं भी रोटी पानी खवाया, पुलिस नूं सद्या, दुबारा फिर चक के रजिंद्रा हस्पताल दाखिल कराता पुलिस ने। तो उत्थे गए नूं बापू नूं, उह कहिंदे रजिंद्रा वाले कहिंदे मुलाजम भी तूं किथे चला गया सी, कहिंदे तैनूं असीं लभदे फिरदे सी। बापू दे गल पैण उल्टा, हो बापू कहिंदा भरावो मेरियां तां लत्तां भी है नहीं, मैं कित्थे जाणा, तुसीं आप तां सट के आए हो मैनू, पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। फिर बापू जी नूं उत्थों छुट्टी करा के इत्थे लै के आंदा 15-16 दिनों बाद। उन्होंने छुट्टी नहीं दित्ती क्योंकि उन्हां नूं ऐ सी भी जे असीं उदां ही छुट्टी देती भी फिर कितें साडे ते केस ना कर देण NGO वाले। बापू दी लत्त अद्धी लमकदी सी नाल, उह भी कट्टी गई, आ बांह लमकदी सी नाल, इह भी कट दित्ती गई। तो फिर उस तो बाद छुट्टी दिती, असीं बड़ी कोशिश की भी उन्होंने कोई कार्रवाई कराइए, पर कार्रवाई तो की होनी सी, कार्रवाई करने वाले ही मुकर गए, वो साडे उल्टा साडे नाल ही बहस बसैया करन लग गए। वह चलो बापू भी बड़ी हिम्मत वाला वा, सबर दे नाल बैठा, कहिंदा जो होना सी महाराज नूं मंजूर सी। माता दा भगता बापू शेरां वाली दा हथ दे उत्ते शिवजी दे
तस्वीर बनाई आ इस बांह के उत्ते नैणा देवी माता की तस्वीर बनाई हुई शेरां वाली तो वह बांह वड्डी गई आ बांह के उत्ते माता का चेहरा अंकित सी वह बांह बच गई। इस तरह कई बार हार के भी बंदा अपने आप को जित्या हुआ महसूस करता तो ये बापू इस गल की मिसाल ने जय किशोर जी भी अज भी इन्ना कुछ होने के बावजूद भी हौसला नहीं छड्डिया इन्होंने। फिर बापू दारा सिंह जी बाबा बकाला साहब गुरद्वारा साहब तो सानू सेवा का मौका मिलया सी बापू जी के पैर च कीड़े पे हुए थे उस टाइम। इधर हुण फिजियोथरैपी वाले साडे टीम के मैंबर लगे हुए ने फिजियोथरैपी करवाउण सेवावां साडी हरलीन पई आ। हरलीन तकड़ी आ ठीक आ हुण तू हरलीन का साड़ी जो ऑपरेशन हो गया जी सही सलामत हुण बाबा नानक मेहर करे मेरी धी नू तुरन फिरन लग जाए फिर असीं इहदा विआह कर देना छेती छेती। कि मैडम बनना तू पहला मैडम बनना इन्हें मैडम बनना जी पहला हरलीन कहती मैं मैडम बनना है ना हरलीन। चलो इन्निया कि साड़िया बेनतियां वा इधर माता कृष्णा उन्हां दा बेटा उन्हां नू फ्रूट खवा रहा इधर साड़ी अंजलि भैन पई आ। अंजलि तकड़ी है भाई ठीक है तू ये भी भैन बेचारी पूरे शरीर ते जख्म आ कीड़े पए हुए थी पूरी एक साइड दी बॉडी कीड़े खा गए थी इहदी हथ घरे पई थी तीन महीनों तो फर्श ते पई सीगी ते ये मंजे ते पई सी इहदी मम्मी। ते चलो जो पता नहीं रब नूं मंजूर की सीगा भरा भी घर च सीगा प्यो भी घर च सीगा कुछ नहीं कर सके ते कीड़े खाई गए उहनूं पई नूं। हुण गुरु की कृपा ठीक है चलो आपदा भरा भी फर्ज निभाउंदा फिर भी फ्रूट खवाउंदा रोटी पानी खवाउंदा इत्थे सेवा करदा अपनी माँ की भी अपनी भैन की भी परमात्मा इहनूं हिम्मत बख्शण बल बख्शण भी ये सेवा कर सके अपनी माँ की ते भैन की। उहदे अंजलि दे दो बच्चे भी अगां एक बेटा एक बेटी है सहुरिआं ने बच्चे लै के बस इहनूं छड्डता बेचारी नूं उदों मुड़ के इहदे घर वाला आया फिर हस्पताल आया सी उदों बाद नहीं आया है जदों घरे पई सी इस हालत दे विच अंजलि फिर वो घरे आउंदा नहीं सी देखण टिंका तेन आके तंग करता जो तू पई सी बीमार तेरी सेवा नहीं सी करते उदा की टिंका वधिया बंदा के माड़ा बंदा वा टिंका माड़ा बंदा शराब पींदा वा मारता कुटता भी सीगा ठीक है। अंजलि तेनू तेरे शरीर नू की हो गया सी जुड़ कातो गई तू बीमार हो गई सी तू उन्हें इलाज कराया नहीं फिर तेरे सहुरिआं ने जख्म हो गया मेरे को रोज पुछता है मैं तेरे खून कितों निकलता बाबा जी कहती मेरे मेरे ब्लड चो खून निकलता इन्हें हम दसा नहीं छुट्टी करा दी और तो बस अद करे एक ही जख्म है जख्म ने दसा नहीं ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ
ਜਦ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਪਈ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਕੀੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਜਿੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਜੀ ਡਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੀ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੋਲਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਲ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ फिर हाथ नी पाया करते चीका मारते कोई नंजली हूँ ठीक हो जाना तू अच्छा मेरी छोटी भैन आ तू तेनू पता मेरा की नाम आ मैं दस्या सी तेनू मेरा नाम गुरप्रीत सिंह तेरा भरा वा मैं गुरप्रीत सिंह है ना की नाम है मेरा गुरप्रीत हाँ गुरप्रीत सिंह देखो इस तरह दी रब्बी रूहां साडियां पता नहीं रब केड़े रंगां च राजी है रब पता नहीं कि रूप च मिल जाए आपां नूं ध्यान रख्या करो भाई थोड़े आंढ गुआंढ भी हो सकते आ इस तरह के लोग आ भैन आ माँ का देखो बेचारी का शरीर किवें गठ बनया पिया पता नहीं कि यह जी चंद्री बीमारी तो उन्हां मावां धीआं नूं लगी आ सब तो वड्डी बीमारी तो उन्हां रिश्तेदारां नूं लगी है जिहड़े चाहे इहदे सहुरे सीगे घर वाला सी सस सी सारा कुछ सी बच्चे लै के उन्हें मुंडा ते कुड़ी आपदे कोल रख ले आ ते इन्हां नूं मरन लई छड़ता इदा ही इधर सीगा मां मंजे ते पई सी कम ते चले जांदा सीगा प्यो भी कम ते चले जांदा सी आके रोटी पानी ते खवा दिंदे सी पर साफ सफाई कौन करे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।